साक सहकारी संस्था पुट्टी के समिति प्रबंधक पंचक भार्गव को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया। खरीद केंद्रों पर नोबल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आवश्यक प्रबंध न पाए जाने पर कलेक्टर ने प्रभारी समिति प्रबंधक पंकज भार्गव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह डबरा अनुभाग के अंतर्गत खरीद केंद्रों पर निरीक्षण करने पहुँचे, जहां उनको निरीक्षण में कृषकों के लिए पानी गुड़ चने की व्यवस्था ठीक न पाए जाने को लेकर यह आदेश जारी किया गया। निलंबित समिति प्रबंधक पंकज भार्गव की जगह गेहूं खरीद के लिए प्रमोद पारासर एवं चना सरसों की खरीद के लिए भंवर सिंह को प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी डबरा एवं सहकारी विस्तार अधिकारी डबरा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश और निर्देश दिए गए हैं। एक्चुअली किसान के बयान ही हो रहे थे, इस दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसके बयान पूरे नहीं हो सके, इस वजह से अभी जांच अटकी है। परंतु किसान की जो फसल का मामला था तो वो अमानत स्तर की थी, इसकी पुष्टि कृषि विभाग ने की है, समिति प्रबंधक ने की है, सर्वेयर ने की है, अपनी रिपोर्ट लगाई है। परंतु उसके बाद उसको अमानत स्तर को झड़वा के साफ करा के मानक स्तर का करके उसको फिर उसकी तुल करा दी। मैडम किसने झाड़ा था, किसने साफ करवाई थी, किसान के द्वारा करवाई गई या सोसाइटी? तो समिति का काम है, सर्वेयर का काम है, मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यही अभी तक पुष्टि हुई है। मैडम पहले क्यों नहीं तोला जा रहा था किसान की सरसों को? अमानक स्तर का था। मैडम बाद में मानक कैसे हो गई थी वो? अरे जो जिस चीज में गंदगी है उस चीज को साफ करा जाता है, उसके बाद में तो मानक हो जाती है, मिट्टी हटा दी जाती है उसमें से, उसको पंखा लगाया जाता है, जो हल्के फुल्के पदार्थ होते हैं खराब उड़ जाते हैं उसमें से। मैडम किसान का आरोप था कि वो